सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम कविता 11 जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार, यह कविता आज हम पढ़ेंगे। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब इस कविता में एक टेसू राजा है जो बाजार गए हैं और बाजार से अनार खरीद रहे हैं। अब जब ये टेसू राजा बाजार से अनार खरीदने लगे तो उन्होंने एक दुकान वाले से पूछा कि भाई साहब, इस अनार में कितने दाने हैं। अब बच्चों, जब तुम फल वाले के पास जाओगे और फल वाले से जब तुम अनार खरीदोगे तो क्या उस फल वाले से पूछोगे कि इस अनार में कितने दाने हैं? उसे तो भी क्या पता, उसने थोड़ी उस अनार को पकाया है। पर यहाँ पर जो टेसू राजा है वह उस फल वाले से कहने लगा कि भाई साहब, इस अनार में कितने दाने हैं। तो उसे जवाब क्या मिला, जितने कंबल में खाने। मतलब उस अनार वाले को समझ में आया कि कंबल में जितने खाने हैं उतने अनार के दाने हैं, ऐसा उसे जवाब मिला। तब उसने आगे वाले से सवाल किया कि कंबल में कितने खाने हैं, तो उसे जवाब मिला, यह भला पेड़ क्यों बताएगी। फिर आगे पूछा गया कि झुंड में भेड़े कितनी है। जब उसे पूछा कि अनार में दाने कितने, तो उसे क्या जवाब मिला कि जितने कंबल में खाने। तब उसने आगे पूछा कि फिर कंबल में कितने खाने हैं, तब भेड़ भला क्यों लगी बताने, तो भेड़ क्यों बताने लगेगी ना। तब उसने आगे पूछा कि फिर झुंड में भेड़े कितनी हैं, तो उसे आगे से जवाब मिला कि जितनी पेड़ में पत्तियां हैं। अब आगे क्या पूछता है वह, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब टेसू ने जब पूछा कि इस झुंड में भेड़े कितनी हैं, तब उसे आगे से जवाब मिला कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं उतने झुंड में भेड़े हैं। फिर उसने सवाल किया, उसने कहा कि फिर पेड़ पर पत्ते कितने हैं, तो आगे वाले ने उत्तर दिया कि गोपी के घर जितने लत्ते हैं। आगे से क्या उत्तर मिला कि गोपी के घर जितने लत्ते हैं। लत्ते का मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़े हैं। तब गोपी फिर से प्रश्न करने लगा कि घर में कितने कपड़े हैं, मतलब गोपी के घर कितने कपड़े हैं। फिर उससे उत्तर मिला, कलकत्ते में कुत्ते जितने, मतलब कलकत्ता इस शहर में जितने कुत्ते हैं उतने कपड़े गोपी के घर हैं। तो फिर उसे जवाब मिला, कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने। फिर उसने उस पर सवाल किया कि कलकत्ते में कुत्ते कितने हैं, तो उसे जवाब मिला 20,23,000। उसे उत्तर मिला 20,23,000, मतलब उसे एक संख्या मिली, उस टेसू राजा को एक संख्या मिली। जब उसे संख्या मिली तब वह टेसू राजा उस फल वाले से कहने लगा कि भाई, अब मुझे यह अनार दे ही दो। मतलब कि वह टेसू राजा ने उस अनार में दाने को ढूंढने के लिए, कितने दाने यह पहचानने के लिए उसने उस फल वाले से कितने सारे सवाल किए। जब उसे 20,23,000 यह संख्या मिली, तब जाके वह टेसू राजा उस फल वाले से कहने लगा कि भाई, इस अनार में अगर इतने दाने हैं तो मुझे दो चार अनार दे ही दो। अगर इतनी सारी संख्या है तो फिर मुझे अनार दे दो, मैं आपसे ले लेता हूँ। मतलब कि इस कविता में ये जो टेसू राजा है, ये बाजार में जाते समय उस फल वाले से दिन भर के सारे सवाल पूछते रहता है। और इस तरीके से यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।